अकेले मैक्सवेल से 11 की इंडिया हारी, 3 गलतियां पड़ गई भारी। जी हां, तीसरे टी20 में टीम इंडिया की हार हो चुकी है और पूरी की पूरी टीम इंडिया एक अकेले मैक्सवेल से ही ये मैच हार गई। क्यों? क्योंकि भाई टीम इंडिया की जीत निश्चित लग रही थी, सामने से लगातार विकेट गिरते चले जा रहे थे, लेकिन एक अकेला मैक्सवेल आखिरी तक खड़ा रहा। सोचिए, आखिरी दो ओवर में 40-42 रन चाहिए थे और मैक्सवेल और वेड ने मिलकर वो भी बना दिया। कहां होता है ऐसा मैच, लेकिन आज ऐसा मैच हुआ और टीम इंडिया तीसरा टी20 हार चुकी है। तो मैच के क्या पूरे सूरत हाल रहा मैं आपको बताता हूँ। 2 शतक लगे इस मैच में, एक ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया जो कि फेल साबित हो गया, वो अपने शतक से इंडिया को जिता नहीं पाए, और एक शतक मैक्सवेल ने लगाया जिन्होंने नाबाद शतक लगाते हुए अपनी टीम को मैच जिताया। इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की थी, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को बैटिंग के लिए बुलाया था। अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, 222 रन स्कोर बोर्ड पर टीम इंडिया ने लगाए थे, लेकिन शुरुआत बड़ी खराब रही थी। यशस्वी 6 पर आउट हो गए, ईशान 0 पर ही आउट हो गए, लेकिन वहां से ऋतुराज और सूर्यकुमार के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन स्काई 39 बनाकर आउट हो गए, और उसके बाद फिर नाबाद लगभग 140 रनों की पार्टनरशिप ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा के बीच होती है, जिसमें बल्क स्कोरिंग करते हैं ऋतुराज गायकवाड़। 57 गेंदों पर 123 बनाकर ऋतुराज नॉट आउट रहते हैं, अपना पहला टी20 शतक लगाते हैं, और तिलक वर्मा 24 गेंदों पर 31 पर नॉट आउट रहते हैं। शायद यही जो 24 पर 31 वाली पारी थी, यही थोड़ी सी तेज होती, 24 पर 40 होते, 24 पर 45 होते, तो शायद टीम इंडिया इस मैच को बहुत आराम से जीत जाती। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई तिलक वर्मा से, तो वो थोड़ा स्लो हो गए। एक गलती हो गई ईशान किशन से, गंदी बॉल को सीधा हाथ में मार बैठे, और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आती है, शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की अच्छी रहती है, ट्रेविस हेड 35 बनाते हैं, एरॉन हार्डी 16 बनाते हैं, लेकिन बीच में टीम इंडिया इस मैच को खींचती है। एक वक्त ऐसा था जब ऑस्ट्रेलिया के 134 पर ही 5 विकेट हो गए थे, लेकिन वहां से भाई आखिरी 2 ओवर में जो मैच पलटा है, ग्लेन मैक्सवेल 48 गेंदों पर 104 बनाकर नाबाद रहते हैं, 8 चौके 8 छक्के 216 नाबाद। इसी वजह से ये जो पाई रही ना 104 वाली, बस इसी ने टीम इंडिया को हरा दिया। हालांकि मैथ्यू वेट के भी 28 रन बहुमूल्य रहे ऑस्ट्रेलिया के लिए, और पूरे 20 ओवर खेलकर ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए 225 रन। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए, न जाने क्या हो गया प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी को, 4 ओवर में 68 रन खा गए। अर्शदीप न जाने यॉर्कर्स इनकी कहां चली गई है, 4 ओवर में 44 रन खा गए। रवि बिश्नोई ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 32 रन दिए। आवेश और अक्षर ने 4 ओवर में 37-37 रन दिए। तो आज दिन नहीं था टीम इंडिया का, थोड़ी सी प्लानिंग अच्छी हो सकती थी, खासतौर पर आखिर में जिस तरीके से गंदी गेंदबाजी हुई उसने